सूरजपाल उर्फ भोले बाबा यानी कि हाथरस के कांडी बाबा के ने अपने जीवन में कितने अपराध किए हैं। उसके सभी अपराध अभी खुलकर सामने आ रहे हैं। जिस समय वह पुलिस की नौकरी में था तो उसी दौरान उस पर एक यौनाचार का मामला दर्ज हुआ था जिसमें वो जेल भी गया था और शायद उसी समय पुलिस से उसने नौकरी से VRS ले लिया। उसके बाद उसने अपनी एक गोद ली हुई बेटी को जो कि जिसकी डेथ हो जाती है उसको जिंदा करने का प्रयास किया। तो जादू टोना करने के केस में भी उसको जेल जाना पड़ा था लेकिन सबूतों के अभाव में वह इस केस से बरी हो गया। उसके अलावा कानपुर के अंदर ही उसके ऊपर एक जमीन हड़पने का मामला अभी भी चल रहा है और लॉकडाउन के समय फर्रुखाबाद में उसने 50 लोगों की केवल 50 लोगों की भीड़ जुटाने की परमिशन प्रशासन से ली थी परंतु वहां उसने 50,000 लोगों की एक भारी भरकम भीड़ को इकट्ठा कर लिया था। तो इस प्रकार से जो ये हाथरस आश्रम वाला कांडी बाबा है इसके बहुत सारे ऐसे केस हैं जो इस पर चल रहे हैं, कुछ मुकदमे अभी भी चल रहे हैं। तो ऐसे में जो अभी भारत का जो कानून अभी बदला है उसके तहत इस पर इतने सारे मुकदमे अगर किसी पर पहले से चल रहे हों और वो नया कुछ केस कर दे और उसमें वो पकड़ा जाए तो वह उस व्यक्ति को बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली ऐसी धाराओं में जिसमें कि 121 लोगों की जान चली गई है। बाबा के ऊपर गैर इरादतन हत्या का जो केस है वह धारा लग सकती है अगर उसे प्रशासन बिना किसी भेदभाव के अगर उसको जेल भेजा जाता है, क्योंकि 121 लोगों की मौत इस वजह से हुई, उसने 80,000 लोगों की भीड़ जुटाने की परमिशन ली थी, उसको जब पहले से अंदेशा था कि ज्यादा लोग आएंगे तो सरकारी खजाने में ज्यादा पैसा जमा करना पड़ेगा, ज्यादा पुलिस वाले लगेंगे, वहां पर एक टेम्परेरी चौकी खोलनी पड़ेगी और महिला पुलिसकर्मी को तैनात करना पड़ेगा, एम्बुलेंस आएगी, तो इन सभी का खर्चा बाबा को देना पड़ता अपनी जेब से और सरकारी खजाने में जमा करना पड़ा। इसलिए उसने कम लोगों की भीड़ बता करके कि केवल इतने लोग आएंगे खर्चा केवल कम के लिए 80,000 लोगों की परमिशन दी और पुलिस प्रशासन ने इसको परमिशन दे भी दी। तो ऐसे में गैर इरादतन हत्या का केस भी बाबा पर अगर लगता है तो इसको जमानत मिलना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ भी नए कानून के तहत यदि पुलिस भी किसी मामले में पाई जाती है तो वो भी बचकर नहीं निकल सकते हैं। तो देखना यह है कि अभी जो नए कानून आए हैं क्या उनके तहत निष्पक्ष रूप से इस केस में जाँच होगी और जो वाकई जो लोग आरोपी हैं उनको उसको पकड़ा जाएगा और उसको जेल में डाला जाएगा, क्या यह सब हो पाएगा या नहीं, या फिर पहले ही व्यवस्था की तरह भी इस बार हमारा कानून भी क्या कागजों पर ही रहेगा।